अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल समी सलाम स्टेट एंड बिल्डर्स बैरियर टाउन कराची से। आज के वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि आपको बैरियर टाउन कराची की डेवलपमेंट स्टेटस के बारे में बताया जाए। मैं आज जिस जगह पर मौजूद हूँ आप देख सकते हैं, मेरी बैक साइड पे ये है प्रीसन 15A और इसी के साथ प्रीसन 15B। जो आप बैक साइड पर इसकी डेवलपमेंट देख सकते हैं, ये 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं जो बैरियर टाउन कराची ने बहुत ही जल्द, बहुत ही थोड़े अरसे के अंदर इन्हें डेवलप किया। और जो प्रीसन 15B है, यहाँ पे 500 स्क्वायर यार्ड के भी प्लॉट्स दिए गए हैं। और इसकी मैं सराउंडिंग आपसे अगर डिस्कस करता चलूँ तो इसकी राइट साइड पे प्रीसन 27 है, जहाँ पे बैरियर टाउन कराची ने 125 स्क्वायर यार्ड के रेजिडेंशियल प्लॉट दिए हैं और प्राइवेट विलाज भी दिए हैं, जो कि बैरियर ने खुद बिल्ड करके विला भी दिए हैं, जिसे बिल्ड प्रॉपर्टी कहा जाता है। 235 स्क्वायर यार्ड के ये 3 बेडरूम पे विला है। और इसकी सराउंडिंग में जो आता है प्रीसन, मैंने आपको बताया, इसी दूसरी तरफ आता है प्रीसन 14 आता है, जिसमें भी 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट दिए गए हैं। और यहाँ के मैं अगर आपको प्राइस की बात करूँ तो प्रीसन 15A में आपको 40 लाख से प्लॉट मिलना शुरू हो जाता है, जो कि अच्छे लेवल के प्लॉट हैं, जो डेवलपमेंट हो चुकी है, पोजेशन भी दे दिया गया है यहाँ पर। और इसके बिल्कुल साथ ही प्रीसन 15B है, जहाँ का डेवलपमेंट स्टेटस कुछ यूँ है कि काफ़ी सारे प्लॉट्स को बैरियर ने यहाँ पे पोजेशन भी दे दिया है और काफ़ी सारी यहाँ पे डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है। और इसके साथ ही जो प्रीसन 27 है, प्रीसन 27 में आपको 35 लाख से प्लॉट मिलना शुरू हो जाता है। प्रीसन 27 में तो आप जानते ही होंगे, जैसे बैरियर टाउन कराची ने यहाँ पर न्यू डील भी एक दी थी, जिसके अंदर नॉन पेड प्लॉट था, वो आपको 35 लाख से मिलना शुरू हो जाता है। और उसके साथ जो ओल्ड डील के प्लॉट है वो भी आपको इसी रेट पे मिलना शुरू हो जाते हैं। प्रीसन 27 का एक डेवलपमेंट स्टेटस ये भी है, यहाँ की जो मस्जिद है वो भी काफ़ी कंप्लीट हो चुकी है, उसका फिनिशिंग का स्टेज है उसके काम की। और इसके अलावा आपकी बैरियर टाउन में कोई क्यूरी हो, आप अपना प्लॉट लेना चाहते हैं या उस पर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रابطہ ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।